सो ही फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जरीन रेसिपी वर्ल्ड। आज भी आप लोगों के साथ मैं मेरा ब्लॉग शेयर करूंगी गलाटा टावर का। आज एपिसोड 3 है, आप ज़रूर देखिएगा। सो ये थी स्वीट की शॉप और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज थी स्वीट की और यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लोकुम वगैरह और बकलावा वगैरह भी, तो यहाँ पे अजॉर्टेड बॉक्स भी थे। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे से आप लेके रखें, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है वो लोग बता रहे थे 1 ईयर की होती है, तो आप लोग बिंदास ले सकते हैं। एंड आप भले ही 1 महीने बाद जा रहे हो बट आपके पास रहेगा। ये इस्तांबुल में मिलता है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये वाली जो स्वीट है वो मैंने बहुत ढूंढा था एदर्नी में बट मुझे वहाँ नहीं मिला था, ये इस्तांबुल में ही था। तो काफ़ी बहुत ही अच्छा था ये वाइट वाला जो पिस्ता चोका था, वो बहुत ही मज़े का था। पिस्ताशियो बकलावा 198 लीरा, दिस ऑल्सो पिस्ताशियो बकलावा एंड दे आर हैविंग अ बकलावा बॉक्स ऑल्सो दिस वे, वेरी नाइस बकलावा बॉक्स, सोफिस्टिकेटेड वासी बुलबुल वासी बकलावा। तो बस वहाँ से बकलावा लिया और यहाँ पे हम ले रहे हैं, मुझे ये दिख गया स्ट्रीट फूड जो होता है वहाँ का, मैं हमेशा देखती थी वीडियोस में, तो मैंने कहा मुझे ये लेना है। और ये होता है राइस एंड चिकन श्रेडेड, इसके ऊपर डालते हैं, इसे कहते हैं तावो पिरिंच समथिंग कुछ बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर श्रेडेड चिकन डाल देते हैं एंड पेपर डालते हैं एंड केचप डालते हैं एंड इसके साथ में देते हैं चिलीज, बहुत ही मज़े की रहती है वो। तो सेकेंड डे है मॉर्निंग का एंड यहाँ पे है ना बर्फ गिरी है रात में, यू कैन सी ऑन द छत, छत को क्या बोलता है आई डोंट नो, भूल गई, ध्यान नहीं आ रहा है। ओके, और सच में बहुत ठंडी है, यहाँ देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरी हुई है, धुआं तो मुँह से निकल ही रहा था, बर्फ़ नहीं गिरी थी तो भी, बट आज ठंडी बहुत है। देखो सीगल्स यहाँ पे बहुत है क्योंकि यहाँ पे सी साइड है और ये सी साइड पे होटल है इसीलिए। वाह, पोपट गया, ग्रीन कलर का पैरट, सो ब्यूटीफुल। वहाँ पे है ना सी है, ये साइड पे आपको दिखेगा, हाँ वो साइड पे सी है, पूरा सी है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। सो यहाँ पे स्नो गिरने लग गई है, वाह स्नो टाइम, और स्नो गिर रही है, वाह मेल्ट हो रही है हाथ में गिरते ही साथ, तो माय गॉड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी है, स्नो भी वो आज तो कहीं नहीं जा सकते, ये तो स्नो गिर रही है, नहीं जा सकते बाहर, और मुंह में से धुआं बहुत निकल रहा है। सो दिस इज माई ओटीडी यानी के आउटफिट ऑफ द डे, और अभी मैं जा रही हूँ एक्सप्लोर करने इस्तांबुल, इस्तांबुल गलाटा टावर। तो अभी हम लोग गलाटा टावर जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे, आपको दिखाऊंगी आगे का ब्लॉग कि वहाँ पे क्या है, कि इस्तांबुल में बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए और आपको 2 से 3 दिन भी बहुत कम है, बट यहाँ पे आज हम लोग कल गए थे ग्रैंड बाजार, तो वहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें एक्सपेंसिव थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट अभी आ जाएंगे गलाटा टावर, तो आप लोग जरूर चेक करिएगा और देखिएगा और मेरे व्लॉग को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपको कैसा लगा मेरा ये OOTD जरूर बताइएगा इनबॉक्स में। ओह माय गॉड, स्नो गिर रही है, लाइव व्यू ऑफ स्नो एंड इस्तांबुल एक्चुअली, माय गॉड माय गॉड माय गॉड, बहुत बड़ी बड़ी स्नो है और बहुत सारी है। ओहो, हम लोग 4th फ्लोर पे हैं और अभी हम लोग उतरेंगे, उप्स यहाँ की सीढ़ी थोड़ी बहुत पतली है, जो ये है अपार्टमेंट और अपार्टमेंट होटल है, सो यहाँ से उतरते हुए 80 इस्तांबुल और ये 80 है इस्तांबुल। तो सुबह से जो बर्फ़ गिरना चालू हुई है, सच में इतनी स्पीड में बर्फ़ गिर रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था बर्फ़ में तो, और स्नो में हर कोई मज़े लेता है। नाउ माय हैंड इज एक्चुअली फ्रीजिंग, दैट इज व्हाई एक्चुअली आई एम नॉट शूटिंग मोर वीडियोस, बट मैं आगे जाके शूट करती हूँ। सो नाइस, स्नोवी, यूहू।
स्नोवी खुद रुको दिस इज अ मेट्रो ओ आई हैव बीन यूजिंग मोबाइल नो यूजिंग व्हेन दिस नो मेट्रो यूनिवर्सिटी सी मेट्रो तो ये है मेट्रो स्टेशन. अब हम यहाँ से जाएंगे बाय मेट्रो गलाटा टावर और ये करीबन हम लोग पहुँच गए थे 10 से 12 मिनट के अंदर ही हम लोग यहाँ से पहुँच गए थे गलाटा टावर. फिर बाय वॉक हम लोग गए थे और वो भी बहुत मज़ा आया था. तो थोड़ी राहत मिली है स्टेशन में अंदर आके क्योंकि बाहर तो बहुत ही ठंडी है बट ठंडी का भी अलग ही मज़ा है. तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अभी हल्की हल्की स्नो गिर रही है बट आगे जाके बहुत ज़्यादा स्नो गिर रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था. स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था. ये है मेट्रो का स्टेशन और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ये बस पहुँच ही गए हैं एंड वी आर अबाउट टू गो. सो यहाँ पे हम लोग अभी गलाटा टावर जाने के लिए निकल गए और यहाँ पे व्यूज़ देखो कमल के व्यूज़ है. पीछे जो है वो सी है और क्या मस्त व्यू है पीछे का. हैंड क्लोज करा है दिख नहीं रहा है जूम नहीं हो रहा. ये है सब व्यू है बहुत ही अच्छा व्यू है. तो यहाँ पे ये सी व्यू है और मॉस्क दिख रहा है वहाँ पे से गलाटा जाने के लिए. बहुत ही अच्छा लग रहा है व्यू. ओह वाओ सच नाइस जॉब. तो ये गलाटा की गलियाँ हैं और यहाँ पे अभी हम लोग आ रहे हैं गलाटा टावर. यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं यू कैन सी सो मेनी शॉप्स फॉर शॉपिंग यू नो एंड फॉर द गुड थिंग्स ऑल्सो यू विल गेट ओवर हियर. लेट्स गो. यहाँ पर रेन मतलब स्नो गिरी है इसलिए बारिश है. लाइट्स आर ब्यूटीफुल. यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत LEDs थी तो बहुत सारी शॉप थी जो सिर्फ LED की ही थी. अगर LED है तो LED की ही शॉप दिखेगी आपको. बहुत ही अच्छा शॉप था. सो यस वी हैव रीच गलाटा टावर और इसके बारे में आपको आगे जाके बताऊंगी. बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को. ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.